हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करती होंगे सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि हम जा रहे हैं अपने देवर के घर। आज उनके घर अवतार पार्टी है, तो आज मैं आपको उनका घर दिखाऊंगी। मेरे देवरानी का पार्लर है, पार्लर दिखाऊंगी, तो फिर अब आपसे वहीं मिलेंगे। अभी तो अब हम आ गए हैं अपने देवर के घर। अब हम आपको लेकर चलते हैं अंदर। बैल नहीं है, दरवाजा बचा। तो ये अब हम जा रहे हैं अंदर। इंटर ये मेरे बच्चे पहले आ चुके थे। तो जी, यहाँ हम चलते हैं। ये है पार्लर मेरी देवरानी का। ये देखें, ये देखें, ये की हुई है जी सेटिंग। और ये देखें, मैं भी नजर आ रही हूँ। वैसे वाइट ड्रेस में मैं बहुत मोटी लग रही हूँ, क्योंकि वाइट ड्रेस में हमेशा इंसान मोटा लगता है और मैं बहुत मोटी लग रही हूँ। चलें अब हम चलते हैं, दूसरे कमरा दिखाती हूँ आपको। ये ड्राइंग रूम है, यहाँ बच्चे बैठे हैं, खेल रहे हैं। अब ये अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपने देवरों से। तो ये हैं जी मेरे हस्बैंड से छोटे भाई, दूसरे नंबर वाले। नाम आप बताओ। सबको आज ये रोज़ा अफ्तार है, आप सब भी आए, सबको दावत है हमारे घर में। चलें जी, आप सबको दावत दे दी। अच्छा जी, और ये तीसरे नंबर पे हमारे भाई को रोज़ा लग रहा है, इसीलिए सोया पड़ा है। और ये है तीसरे नंबर वाले, नाम बताएं छोटे भाई। माजिद। मेरा नाम। चलें जी, अब हम मिलाते हैं बच्चों से आपको, बच्चा पार्टी से। ये हैं जी दूसरे नंबर वाले देवर के बच्चे, दोनों बेटे। अस्सलाम। कपड़ों और शक्ल से लग रहे हैं, नाम बताओ भाई। हमाद। आप हनी। हनी, ये है हमारा हनी। ठीक है, असल नाम क्या है हनी का? जैफा बिन सादिक। उई, जैफा बिन सादिक। वाह भाई वाह, मेरे बच्चों से तो आज मिले हुए हैं। और ये मेरे सबसे छोटे वाले देवर के बच्चे, ये देखें जी, नाम बताओ भाई। मोहम्मद अली। ये है जी मोहम्मद अली। अयान बिन माजिद। ओए होए, अयान बिन माजिद। और ये है आया। ये हैं तीन जी छोटे वाले के, और एक एक बच्चियाँ और हैं, वो सामने नहीं आती। वो माशाल्लाह ज़रा हमारी 9th की स्टूडेंट हैं, वो सामने नहीं आना चाहती। चलें जी, अब आपको तारुफ करवा लिया मैंने फैमिली से, अब मिलते हैं अफ्तारी में। तो जी, अब हम आए हैं किचन में और देखते हैं हमारी देवरानी क्या कर रही हैं। क्या कर रही हो सादिया? मैं पकौड़े बना रही हूँ। अच्छा, ये देखें जी, यहाँ बन रहे हैं गरम गरम पकौड़े। और जी ये बन चुके हैं, ये भी दिखा दें आपको। और कौन है शहर? एक गिलास वहाँ पहुँचा देगा।